हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल MR1 एग्जाम टारगेट में। दोस्तों हम बात करने वाले हैं समय और कार्य यानी टाइम एंड वर्क की। ये हमारा दूसरा वीडियो है। हम दो टाइप के क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये टाइप नंबर 3 है। आइए हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया हमारा पी और क्यू एक साथ एक कुआं खोदने में 600 मिनट का समय लेते हैं। यदि क्यू अकेले उसे खोदने में 900 मिनट का समय ले तो पी अकेला उसे खोदने में कितना समय लेगा। तो इसको हम दो टाइप से करने वाले हैं। टाइम नंबर फर्स्ट है हमारा, एक फार्मूला होता है ए इंटू बी अपॉन बी माइनस ए। ये एक फॉर्मूला होता है, इसमें वैल्यू हम पुट कर देंगे, क्वेश्चन आराम से हमारा हो जाएगा। पी ए बराबर कितना हमारा दिया है 600 मिनट, बी बराबर हमारा दिया है 900 मिनट, अब वैल्यू हम पुट कर देंगे इसमें। फिर 600 गुणे 900 बटे 900 माइनस 600, तो ये ऊपर गुणा हो जाएगा 54 और नीचे हो जाएगा 300। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, ऊपर बचा 5400 और नीचे बचा 300। इस 5400 में 3 का भाग करेंगे तो आएगा हमारा 1800। 1800 ये निकल गया है, ये मिनट का निकल गया है, लेकिन हमसे पूछा गया है घंटों में, तो हमको पता है कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1800 का हम 60 से भाग कर देंगे। जीरो सौ जीरो 6 3 18 यानी हमारा आंसर आ गया 30 घंटे। सेकेंड टाइप है हमारा पी प्लस क्यू, कितने दिनों में कर रहे हैं 600 मिनट में। और क्यों अकेला कितने दिन में कर रहा है, कितने समय में ले रहा है 900 मिनट। दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा 1800। अब इस 1800 में 600 को भाग करेंगे, 3 बार ले जाएगा और अब इस 1800 में 900 को भाग करेंगे तो जाएगा 2 बार में। ठीक है, पी और क्यू कितने दिन में कितना समय ले रहे हैं 3, और क्यू अकेला कितना ले रहा है 2। अब पी और क्यू दोनों का काम मिल गया और क्यू का अकेले निकल गया। अब हमसे पूछा गया है किसका, पी अकेला से कितने समय में करेगा, पी का पूछा गया है, तो इन दोनों में से हम क्यू को माइनस कर दें तो पी का हमारा निकल आएगा, यानी 2 3 माइनस 2 यानी 1 बचा, टोटल का हमारा 1800, तो पी का कितना हो जाएगा 1800 मिनट। अब जबकि हमसे हमसे पूछा गया है घंटों में, तो हम जानते हैं वही कंडीशन, 1 मिनट 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 1800 का 60 से भाग कर देंगे, 1800 भागे 60, 0 से 0 30 घंटे, हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया हुआ है, यदि राम और श्याम किसी काम को एक साथ 30 दिनों में तथा राम अकेले उसे 50 दिनों में समाप्त करे तो श्याम द्वारा अकेले उस काम को पूरा करने में लिया गया समय क्या होगा। हमारा ऑप्शन दिया हुआ है ए 70 दिन, बी 75 दिन, सी 65 दिन और डी 60 दिन। रुका तो इसको हम शुरू कर हल करते हैं। फर्स्ट टाइम हमारा है
राम और श्याम इन वही फॉर्मूला ए इंटू बी अपॉन बी माइनस ए। ए बराबर कितना दिया है हमारा 30, बी बराबर कितना है 50, तो हो जाएगा 30 गुणे 50 अपॉन 50 माइनस 30, ये ऊपर 1500 हो गया और नीचे 20 हो गया, 0 से 0 यानी कितना आ गया 75। सेकेंड टाइम देखते हैं, राम और श्याम यानी R फॉर राम और S फॉर श्याम कितने दिनों में कर रहे हैं 30 दिनों में, फिर राम अकेला कितने दिनों में कर रहा है इसको 50 दिनों में, दोनों का एलसीएम लेंगे 150, 150 में 30 का भाग करेंगे 5000 हो जाएगा और 150 में 50 से करेंगे 3 बार हो जाएगा। अब ये राम और श्याम का है 5 दिन में कर रहे हैं और राम अकेला 3 दिन में कर रहा है, तो इस राम और श्याम वाले में से हम अगर राम का माइनस कर देंगे काम पूरा तो हमारा श्याम का काम पता चल जाएगा, और श्याम का ही हमसे पूछा गया है श्याम द्वारा अकेले उस काम को करने में कितना समय लिया जाएगा, तो राम और श्याम का 5 है और राम का कितना है 3, यानी 5 माइनस 3 कितना है 2। अब इस 2 का इस 150 में भाग करेंगे तो 150 भागे 2 यानी 75, यह 75 क्या आ गया दिन निकल गया, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर 10 है, राम श्याम और मोहन, इसमें 3% दिया हुआ है, राम श्याम और मोहन किसी काम को 3 दिनों में पूरा करते हैं, अगर राम और श्याम उसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो मोहन अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करने में कितना समय लेगा, ऑप्शन ए दिया है 15 दिन, ऑप्शन बी 18 दिन, ऑप्शन सी 14 दिन और ऑप्शन डी दिया है 12 दिन। आइए इसको देखते हैं, सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले में इसको करेंगे ए प्लस बी, ए नहीं ए इंटू बी अपॉन बी माइनस ए से, ए बराबर कितना दिया है हमारा 3, बी बराबर कितना दिया है 4, 3 गुणे 4 बटे 4 माइनस 1 ऊपर कितना हो गया 12 बटे 1 यानी कितना दिन समय लेगा ये 12 दिन। ये फर्स्ट टाइप है, सेकेंड टाइप देखते हैं, राम श्याम और मोहन, राम श्याम और मोहन कितना समय ले रहा है 3 दिन, और फिर राम और श्याम ये कितना समय ले रहे हैं 4 दिन, दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 12, 3 चुको 12 और 4 थे 12, राम श्याम और मोहन 12 काम को करने में 4 दिन का समय लेते हैं, राम और श्याम 12 काम को करने में 3 दिन का समय लेते हैं, तो राम और श्याम इसमें भी है, राम और श्याम इसमें भी है, तो हमको मोहन का पूछा गया है तो राम और श्याम के काम से इन तीनों के काम से राम और श्याम का काम माइनस कर देंगे तो मोहन का काम निकल आएगा, तो 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 1, ये 1 किसका निकल गया मोहन का, तो 12 काम को मोहन कि 1 दिन में करेगा यही पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, ये टाइप है फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, ए बी और सी मिलकर 10 दिनों में कोई काम कर सकते हैं, ए अकेले उस काम को 30 दिनों में तथा बी अकेले उसे 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेले उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे, ऑप्शन ए दिया है 20 दिन, ऑप्शन बी 24 दिन, ऑप्शन सी 25 दिन और ऑप्शन डी दिया है 18 दिन। तो इसको देखते हैं,
प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में काम कर रहे हैं? 10 दिन में। ए अकेले कितने दिन में कर रहा है? 30 दिनों में। फिर बी कितने दिनों में कर रहा है? 40 दिनों में। इन तीनों का एलसीएम लेंगे, एक सौ बीस में 10 से भाग करेंगे तो पाएगा 12 बार में जाएगा ये, तो ये जाएगा 4 बार में, ये जाएगा 3 बार में। अब ए प्लस बी और सी इन तीनों का काम निकल गया, 12 दिन में काम करेंगे 120 काम, और ए 120 काम 4 दिन में अकेला करेगा और बी अकेला इसे 3 दिनों में करेगा, 120 से टोटल काम निकल गया। हमसे पूछा गया है सी अकेला इसे कितने दिनों में पूरा करेगा। अब ए और बी का काम हम जोड़ लें और सी की इन तीनों इसमें से घटा दें, ये तीनों काम दिया हुआ है, इसमें से हम ए और बी का काम अगर निकाल देंगे तो सी का काम बचेगा। तो ये देखते हैं इसको, ए और बी का काम कितना हो गया, ए प्लस बी बराबर कितना हो गया, 4 प्लस 3 यानी 7। फिर इन तीनों के काम से अगर हम इसका काम माइनस कर देंगे तो सी का काम निकल आएगा, तो ये इसका यह 12 माइनस 7 यानी 5। इस 5 को इस टोटल का में भाग कर देंगे तो सी का काम निकल आएगा, 120 भागे 5, 5 एकम तो 5 दूनी 10 और 5 अक्को 20 टोटल काम है 24। सी अकेला कितने दिनों करेगा? 24 दिनों। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, मोहन राकेश और सोहन ने एक साथ मिलकर एक दीवार को 20 दिनों में बना सकते हैं, यदि राकेश और सोहन अलग अलग उस काम को 60 और 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो मोहन उस दीवार को अकेले कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ऑप्शन ए हमें दिया 40 दिन, ऑप्शन बी 50 दिन, ऑप्शन सी 45 और ऑप्शन डी दिया 35 दिन में। तो इसको हम करते हैं, मोहन प्लस राकेश प्लस सोहन कितने दिनों में कर रहे हैं? 20 दिनों में। उसके बाद यह है राकेश और सोहन, राकेश कितने दिन में कर रहा है इसको? 60 दिनों में। और सोहन इसको कर रहा है कितने दिनों में? 90 दिनों में। इन तीनों का एलसीएम लेंगे, 180 आएगा। अब 180 में से 20 का भाग करेंगे, ये 9 बार में जाएगा और ये जाएगा 3 बार में और ये 2 बार में, यानी ये तीनों मिलकर 180 काम जो है टोटल इसको 9 दिनों में करेंगे। राकेश 180 काम को 3 दिन में करेगा और सोहन इस 180 काम को 2 दिन में करेगा। हमसे पूछा गया है सिर्फ इसका, मोहन का, यानी इन राकेश और सोहन के काम को जोड़ के हम इस तीनों के काम से माइनस कर देंगे तो मोहन का काम हमारा निकल आएगा। तो इसमें 3 2 5 में से 9 को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना हमारा? 4। अब इस 4 को 180 से भाग करेंगे, टोटल काम है तो 180 भागे 4, 4 चौक 16 4 5 20 यानी हमारा 45 क्या आ गया आंसर, 45 दिन। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी 45। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, ए बी और सी एक साथ एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, यदि बी और सी अलग अलग उस काम को क्रमशः 40 और 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो ए अकेले उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। ऑप्शन ए है 210 दिन, ऑप्शन बी 180 दिन, ऑप्शन सी 200 दिन और ऑप्शन डी हमारा है 220 दिन। आइए इसको हम देखते हैं, ए बी और सी कितने दिनों में पूरा करते हैं? 20 दिनों में। उसके बाद हमारा बी और सी अलग अलग
बी कितने दिनों में कर रहा है, 40 दिनों में, और सी कितने दिनों में कर रहा है, 50 दिनों में। इन तीनों का एलसीएम लेंगे 200, इन तीनों का एलसीएम 200। अब इस ये टोटल हमारा काम निकल गया। इसके बाद इस 200 को इस 20 से भाग करेंगे तो जाएगा 10 बार में, और ये जाएगा 4 5 20 5 बार में, और ये 5 2 20 4 बार में। अब ए बी और सी तीनों इस 120 काम को 10 दिन में पूरा करेंगे, और बी अकेला इस काम को 5 दिन में पूरा करेगा, और सी अकेला इस काम को टोटल काम को 4 दिन में पूरा करेगा। हमसे पूछा गया है ए अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा। अब ए का तो ऐसे दिया गया, इसमें बी और सी का दिया है। इन तीनों में से अगर हम बी और सी का मान तीनों में से घटा देंगे तो ए का हमारा निकल आएगा। बी और सी का कितना है, 5 6 9, और टोटल कितना है सी का मिला के 10। अब इस 10 में से 9 को घटा देंगे हम, 10 - 9 यानी 1 बचा। अब इस 1 को 200 में भाग करेंगे टोटल काम में, तभी हमारा ए का काम निकल के आएगा। यानी 200 को हम 1 से भाग करेंगे तो हमारा कितना है, 200 ही आएगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, सुमित अमित और कुमित एक साथ एक खाई 10 दिनों में खो सकते हैं। सुमित और कुमित उसे अलग अलग क्रमशः 20 और 25 दिनों में खोद सकते हैं, तो अमित अकेले उसे कितने दिनों में खोद पाएगा। तो इसको हम देखते हैं, सुमित अमित और कुमित कितने दिनों में कर रहे हैं, 10 दिनों में खाई खोदते हैं। उसके बाद हमारा दिया है सुमित और कुमित अलग अलग 20 और 25 दिनों में, सुमित और कुमित, सुमित कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, और कुमित कर रहा है 25 दिन में। इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 100। ये 100 हमारा टोटल काम निकल गया। अब इस 100 में 10 का भाग करेंगे तो 10 बार में जाएगा, और ये जाएगा 20 50 100 25 100। यानी ये तीनों इस टोटल काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, और ये सुमित सुमित अकेला इसे 5 दिन में पूरा कर सकता है, और कुमित इस टोटल काम को 4 दिन में पूरा कर सकता है। हमसे पूछा गया है अमित का, हम इन दोनों सुमित और कुमित का काम जोड़ के इन तीनों में से माइनस कर देंगे तो अमित का मान निकल आएगा। यानी 5 4 9 9, सुमित और प्लस कुमित का काम 9 निकल गया है। तो तीनों का काम है 10, यानी 10 - 9 यानी 1। अब से 1 को इस 100 में भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 100 ही आएगा। यानी अमित इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, 100 दिन में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले। अगर आपको चैनल कुछ जानकारी मिले तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।